हेलो रेल फैंस, वेलकम टू आवर चैनल सिमुलेटर 24/7। सो फ्रेंड्स, आज हम खड़े हुए हैं जी इस टाइम सूरत जंक्शन पर, और यहाँ सूरत पे एक EMU जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है, और इधर से एक गाड़ी जो है उसका अराइवल हुआ है जिसके लिए क्या है WDM इंजन ब्लू ICF कोचिस है, और उधर से हमारी जो है EMU गाड़ी, ये एकदम इसका अराइवल हो रहा है आराम आराम से, और ये यहाँ से पूरी गाड़ी बन के चलेगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी जर्नी जो है वो है आपकी गाड़ी नंबर 19102, यानी कि सूरत विरार MEMU एक्सप्रेस। तो ये पैसेंजर ट्रेन है जो कि सूरत से चलती है शाम के 4:45 पर, और विरार पहुँचती है रात के 10:10 पर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, फटाफट से आपको इस जर्नी में बने रहने के लिए और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेरों रेल जर्नीज मिलेंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सारी क्रॉसिंग्स के साथ, नए नए रेल सफ़र, नए नए राउट्स, नई नई रेलगाड़ियाँ। तो फटाफट से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आप हमारे हर वीडियो में हमारे साथ बने रह सकें। इसी के साथ यहाँ पे जो गाड़ी रुकी हुई थी भुज वीकली एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12965, उसका यहाँ से डिपार्चर हो गया, सूरत से गाड़ी निकल चुकी है भुज वीकली एक्सप्रेस, और हमारी यहाँ पे MEMU जो है वो इस टाइम पे प्लेटफॉर्म पर लग रही है, और थोड़ी ही देर में इसका भी डिपार्चर होगा। टोटल फ्रेंड्स, ये जो हमारी MEMU गाड़ी है जिसकी हम आज जर्नी एक्सप्लोर करेंगे, ये गाड़ी जो है टोटल आपकी 5:25 का इसका ट्रैवल टाइम है, और टोटल 30 हॉल्ट्स हैं, 30 स्टेशन है जिस पे ये रुकती है, और टोटल ये 208 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, और इसकी एवरेज स्पीड जो रहती है वो 40 से 50 के बीच बीच में रहती है। इसी के साथ, और ये गाड़ी जो है ये इस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है, और यहाँ दूसरी और एक और गाड़ी आ गई है, तो जानते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखने में तो ये दुरंतो लग रही है, बट इसमें कुछ राजधानी के कोचेस भी हैं, रेड LHP के कोचेस भी हैं, तो पता करते हैं कौन सी गाड़ी है ये। फ्रेंड्स, ये आई है आपकी निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस, और इसी के साथ हम आपको ले आए हैं स्टेशन के फ्रंट साइड में। यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी हुई है जिसको हॉल कर रहा है WCAM, जो कि मुंबई साइड में देखे जाने वाला लोको है। ये लोको मोटे मुंबई साइड, महाराष्ट्र साइड में काफ़ी दिखता है, तो कौन सी गाड़ी खड़ी है इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। और यहाँ पे एक इंजन जो है वह दोदरा शेड का इंजन यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारे दूसरी ओर, BAP4E वडोदरा शेड। तो ये खड़ी है आपकी शंटेड BGP सुपरफास्ट एक्सप्रेस, BGP यानी कि भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, सूरत पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये गाड़ी इस टाइम पर खड़ी हुई है, और थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्ट होने वाली है। आज की जर्नी बहुत बढ़िया रहने वाली है, बहुत सारे ओवरटेक्स, क्रॉसिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, और MEMU की जर्नी है, लोकल पैसेंजर की जर्नी है, तो बहुत बढ़िया सफ़र रहने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी की जो ये रफ्तार पकड़ती है, और जो इसका हर एक स्टेशन पे जो इसका रुकना है उसमें काफ़ी सारी हमें ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये देखिए स्टेशन काफ़ी बढ़िया बनाया है सूरत स्टेशन, और हमारे भी गाड़ी के डिपार्चर का टाइम हो रहा है, कुछ ही देर में गाड़ी यहाँ से रवाना होगी और पहुँचेगी हमारा अगला जो स्टेशन है स्टॉप उड़ना जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है UDN।
तो ये जो MEME ट्रेन्स होती हैं, लोकल पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, ये हर शहर की लाइफलाइन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हर एक स्टेशन पे कनेक्ट करती हैं, दूसरा ये बहुत अफोर्डेबल होती हैं, इनमें कोई आपको रिजर्वेशन नहीं कराने की ज़रूरत नहीं, कोई इसमें आपको कोचिस का जो है जैसे होता है ना बाकी गाड़ियों में जनरल कोचिस अलग होते हैं, AC के अलग हैं, सेकेंड सीटिंग अलग हैं, स्लीपर के अलग हैं, तो ये तो लोकल गाड़ी है और ये हर एक स्टेशन पे जो है रुकती है। बहुत बढ़िया ये गाड़ी जो है लाइफलाइन होती है हर शहर में, और मुंबई में तो इनकी काफ़ी, मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, हर जगह पे ये कनेक्टिविटी गाड़ियाँ देती हैं, और डेली पैसेंजर्स जो होते हैं ऑफिस वाले हों या फिर जो डेली पैसेंजर्स हैं जिनका रोज़ इन गाड़ियों में आना जाना लगा रहता है, उनके लिए काफ़ी ये अफोर्डेबल भी हैं और कन्वीनियंट भी हैं। ये हम आपको इस टाइम कोच में ले आए हैं, कोच से हम आपको दिखा रहे हैं विंडो का व्यू। इसी के साथ फ्रेंड्स गाड़ी का डिपार्चर का टाइम हो गया है, यहाँ पे हमारी गाड़ी रवाना होने लगी है सूरत से, तो आप बढ़िया सा डिपार्चर इन्जॉय करें, क्योंकि यहाँ पे डिपार्चर के दौरान गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म लाइन से मेन लाइन पर आएगी, जिसमें काफ़ी सारे ट्रैक चेंज होंगे, और जब ट्रैक चेंज होंगे तो बहुत ही बढ़िया हमें व्यू देखने को मिलने वाला है। गाड़ी अपने एकदम राइट टाइम पे निकली है, इस टाइम 4:45 हुए हैं और गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है। पर लोकल गाड़ियाँ जो होती हैं यूजली वो कभी भी आप नोट करें, जो लोकल गाड़ी जो सुबह की होगी और जो शाम की होगी वो एकदम राइट टाइम होती हैं, और मिड डे में जो चलती हैं गाड़ियाँ वो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाती हैं, क्योंकि क्रॉसिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे ओवरटेक्स होते हैं और इन गाड़ियों को जो है अक्सर थोड़ा रुकना पड़ता है। पर सुबह की जो लोकल होती हैं वो जो है काफ़ी राइट टाइम चलती हैं, कोशिश उनकी यही रहती है क्योंकि सारे उसमें ऑफिस पैसेंजर्स होते हैं, तो हमारे ऑफिस वाले लोग जो हैं वो लेट ना हो, इसके लिए सुबह की जो पैसेंजर्स और जो इवनिंग पैसेंजर्स होती हैं लोकल ट्रेन, वो कोशिश यही होती है कि वो जो है ऑन टाइम ही उनका रहे स्केड्यूल। ये ट्रेन हमारी डिपार्ट कर चुकी है, अब आपको दिखाते हैं बढ़िया सा यहाँ पे हम क्रॉसिंग, तो ट्रैक चेंज होने वाला है, मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे। फ्रेंड्स आज की इस जर्नी में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये तो सूरत से विरार तक जाती है, तो विरार तक की जर्नी जो है वो पूरे एक पार्ट में कवर करना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आज की जर्नी कवर करेंगे जिसमें हम सूरत से लेके जाएंगे नवसारी तक। तो नवसारी का इसका टाइम है 5:30 का, तो हम आज नवसारी तक का जर्नी यहाँ पर कवर करेंगे। और अगर आपको पार्ट बी भी देखना है, यानी कि नवसारी से लेके आपको विरार तक की पूरी जर्नी देखनी है, तो आप हमें कमेंट करें और हम आपके लिए पूरी जर्नी का वीडियो लेके आएंगे। इसी के साथ ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया यहाँ पे हमें ट्रैक चेंज देखने को मिल रहा है। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गाड़ी मेन लाइन पे आ रही है, तो गाड़ी हमारी पकड़ेगी स्पीड, और जब ये गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो इसका जो साउंड आता है वो बहुत ही कमाल का होता है, तो बहुत ही रियलिस्टिक आपको यहाँ पे हम जर्नी एक्सप्लोर कराने वाले हैं। चलिए पकड़ते हैं अब स्पीड और पहुँचते हैं उड़ना जंक्शन।
अब साउंड यहाँ पे चेक करें फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया साउंड आ रही है। साथ हम पहुंच गए हैं जी मुगना जंक्शन, गाड़ी की रफ्तार को कम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हॉल्ट होगा, उसके बाद फिर हम रवाना होंगे अगले स्टेशन। तो आपको दिखाते हैं मुगना जंक्शन, जंक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ और कुछ एम्प्टी कोचेस तो देखने को मिलेंगे। अभी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, दूसरी तरफ देखते हैं। अभी दूसरी ओर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी है ऊपर में हूपर्स के साथ, और मालगाड़ी के भी दूसरी ओर आप देखेंगे उधर की तरफ तो वहाँ पे ICF के कोचेस भी खड़े हैं, यानी कि एक और ट्रेन यहाँ पे एम्प्टी ट्रेन खड़ी हैं। गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये देखिए आप, और बहुत ही बढ़िया स्टेशन बनाया है। और यहाँ पे हमारी ये लोकल सूरत विरार लोकल जो है उसका अराइवल हो रहा है। आ गई है गाड़ी, स्टेशन पे किसी गाड़ी की अनाउंसमेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लें, ताकि आप ऐसी बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग रेल जर्नीस में हमारे साथ बने रह सकें। देर ना करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी रेल जर्नी लेके आए आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। लीजिए, उड़ना जंक्शन पे गाड़ी यहाँ पे आ गई है, ब्रेक लगाते हैं।
और फिर इसको करेंगे यहाँ से डिपार्ट। यहाँ पे भी उड़ना जंक्शन में कुछ इंजन खड़े हुए हैं, जैसे हमें सामने वैग 5 दिख रहा है, शंटिंग के लिए खड़ा हुआ है। एक गाड़ी यहाँ पे हमें आती हुई दिख रही है, पता करते हैं कौन सी गाड़ी अभी आ रही है। तो आप देख सकते हैं सामने से एक बैप 5 जो है वो एक गाड़ी को लेके आ रहा है, दूसरी ओर लेके चलते हैं और पता करते हैं कौन सी गाड़ी यहाँ पे हमें क्रॉस करने वाली है या फिर ये गाड़ी यहाँ पे रुकेगी। तो ये आ रही है जी आपकी गाड़ी नंबर 14708 रनकपुर एक्सप्रेस। ये डेली है, यानी कि डेली रूट पे चलती है, जिसको बैप 5 लेके आ रहा है। और इसी के साथ हमारी यहाँ पे लोकल ट्रेन का डिपार्ट हो चुका है, गाड़ियाँ से रवाना हो रही है। ये गाड़ी यहाँ पे उड़ना जंक्शन पे जो है क्रॉस कर रही है और उधर से हमारी गाड़ी का भी जो है डिपार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक और WDM इंजन खड़ा है शंटिंग लोको। तो अब आपको हम दिखाएंगे एक और बढ़िया सा व्यू। और अभी तक हमने सफ़र करा है फ्रंट व्यू में, अब हम बैक व्यू के साथ सफ़र करेंगे। बाकी की जर्नी हम करेंगे बैक व्यू के साथ। बैक व्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और ख़ास तौर पे जब बैक व्यू में 7 वाली ट्रैक से जब गाड़ी क्रॉस करेगी तो बहुत ही अच्छा उसमें हमें व्यू मिलता है। चलिए यहाँ पे इसी की क्रॉसिंग के साथ हम आपको फिर लेके चलेंगे बैक। एंजॉय करें अब आप बैक व्यू की जर्नी। उड़ना से हम निकल चुके हैं, अब हम पहुंचेंगे जी बेस्टान जंक्शन। बेस्टान का स्टेशन कोड है BHET। अब हम बेस्टान जंक्शन पहुंचेंगे। बेस्टान जंक्शन नहीं है, बेस्टान नॉर्मल स्टेशन है, और वहां पे हमारा 1 मिनट का हॉल्ट होगा। बढ़िया साउंड आप चेक करें, बढ़िया साउंड आ रही है। और हमारे दूसरी ओर जो है हमें येलो सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी कि वो गाड़ी यहाँ पे आने वाली है, हमें यहाँ से क्रॉस करेगी, इसमें हमें बहुत बढ़िया क्रॉसिंग देखने को मिलेगी।
वाले हैं और गाड़ी की रफ्तार करते हैं धीमी। और देखिए ट्रैक चेंज हो चुका है, मेन लाइन से प्लेटफॉर्म लाइन पर आ गए हैं, गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, बेस्ट ऑन हम पहुंच चुके हैं। जी फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम बेस्टान से रवाना होंगे और पहुंचेंगे अगले स्टेशन पर। तो यहाँ पे गाड़ी हमें क्रॉस करने वाली है आप यहाँ पे इसका डिपार्चर एंजॉय करें। और जो गाड़ी हमें क्रॉस करके गई है फ्रेंड्स, वो है 09151 वलसाद सूरत MEMU स्पेशल। ये भी डेली लोकल ट्रेन है और ये अभी हमें क्रॉस करके यहाँ से निकली है। उसकी क्रॉसिंग हम नहीं देख पाए क्योंकि हम इस तरफ के व्यू को यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। चलिए क्रॉसिंग तो और भी बहुत सारी होने वाली है यहाँ पे आज करने में। फाटक लग चुके हैं और गाड़ी क्रॉस होने वाली है। अब इसी के साथ फ्रेंड्स, हमने फ्रंट व्यू भी इंजॉय कर लिया, रियर व्यू भी कर लिया। अब हम जो अगला व्यू इंजॉय करने वाले हैं वो है जी हमारा कोच व्यू। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कोच के अंदर और कोच से बाकी की जर्नी हम करेंगे अब इंजॉय। यहाँ पे मेरे दूसरी ओर फिर से सिग्नल येलो है, यानी कि कोई गाड़ी यहाँ पे हमें क्रॉस करने वाली है। देखते हैं ज़रा कौन सी गाड़ी क्रॉस कर रही है।
अब सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है, हम जो है स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। गाड़ी की रफ्तार यहाँ पर निकल रही है स्पीड स्लो, और देखते हैं कौन सा स्टेशन आया है। दूसरी ओर अभी तक कोई गाड़ी क्रॉस करी नहीं है, हालांकि सिग्नल तो ग्रीन हो रखा है। देखते हैं कौन सी गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती है हमें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं सचिन स्टेशन। सचिन स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है SCH। सचिन स्टेशन पर गाड़ी यहां पे पहुंच चुकी है। टाइम हो रहा है इस टाइम, समय है इस टाइम 5:04 और पाँच पे हमारी गाड़ी, यानी कि 1 मिनट के बाद हमारी गाड़ी यहां पे डिपार्ट होगी। और दूसरी ओर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं अभी भी ग्रीन सिग्नल है, तो कोई गाड़ी डेफिनेटली यहाँ से क्रॉस करने वाली है। देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। अभी तक तो दूर दूर तक कोई लाइन पे गाड़ी दिख नहीं रही है, बट सिग्नल ग्रीन है तो कोई गाड़ी तो यहाँ से आने वाली है, कोई गाड़ी यहाँ से गुजरने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, गार्ड साहब ने यहाँ पे विसल दे दी है और गाड़ी का डिपार्ट अब होगा। यहाँ से सचिन स्टेशन से गाड़ी रवाना होने वाली है। लीजिए फ्रेंड्स, ग्रीन सिग्नल इस गाड़ी के लिए हो रखा था। तो ये है जी 12933 कर्णावती एक्सप्रेस का ट्रायल रन, यानी कि इसके नए कोचेस के साथ गाड़ी का यहाँ पे स्पीड रन हो रहा है, और देखा जा रहा है कि गाड़ी मैक्सिमम ये कोचेस स्पीड पे, कितना हाई स्पीड पे ये गाड़ी जो है ट्रैक्स पे दौड़ सकती है। तो इसका ट्रायल्स रन था, इसलिए सिग्नल जो है ग्रीन दे रखा था। तो ये गाड़ी तो यहाँ पे हमें क्रॉस कर चुकी है, और अब हम बढ़ रहे हैं सचिन स्टेशन से अपने अगले स्टेशन की ओर। तो अब हम सचिन स्टेशन से रवाना हो चुके हैं और पहुंचेंगे मरोली। हमारा अगला स्टेशन है मरोली। तो पूरी रियलिस्टिक जर्नी चल रही है, सारे स्टेशन जो इसके एक्चुअल गाड़ी के सारे स्टेशन हैं उस पे हमारा जो है पूरा राउट सेट है। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कोच के अंदर, और बाकी की जर्नी अब हम करेंगे कोच में।
लीजिए फ्रेंड, पहुंच गए हैं हम कोच के अंदर। दूसरी ओर लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रॉसिंग जो है देखने को मिलेंगी। इस टाइम हमारी गाड़ी ने एक ब्रिज क्रॉस करा है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक गाड़ी हमें यहाँ पे और क्रॉस करने वाली है। विंडो व्यू से हम इस क्रॉसिंग को करेंगे एंजॉय। इसी के साथ हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। स्पीड हमने स्लो कर ली है गाड़ी की। देखते हैं कौन से स्टेशन पे हम पहुंचे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं रोड पे ट्रैफिक जा रहा है। गाड़ियां, ट्रक, बस सब कुछ यहां पे दूसरी तरफ रोड पे जाता हुआ दिख रहा है। ये हम पहुंचे हैं, अभी तक प्लेटफॉर्म आया नहीं है, आगे हम पहुंच गए हैं जी मरोली स्टेशन पर। और मरोली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी जो है आ चुकी है। और दूसरी ओर यहां पे सिग्नल जो है एक गाड़ी का दूसरे ट्रैक पे ग्रीन सिग्नल है, यानी कि एक गाड़ी यहां पे फिर क्रॉस करने वाली है। अब देखते हैं वो अभी हमारे जब हम यहाँ पर हॉल्ट करेंगे वहाँ तब क्रॉस करेगी या हमें ओवरटेक करती है। फिलहाल आप यहाँ पे स्टेशन के अराइवल को एंजॉय करें। ये देखिए गाड़ी हमारी रवाना हो चुकी है मरोली से, और अब हम बढ़ रहे हैं नवसारी स्टेशन की ओर। तो नवसारी पहुंचने के बाद हमारी आज की जर्नी यहीं पे एंड हो जाएगी, और पार्ट बी में हम फिर लेके आएंगे आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे नवसारी।
सारी से विरार में। हमारी MU यहाँ पे स्पीड पकड़ रही है, स्टेशन क्रॉस कर रही है। बस देखिए रेड कलर की बस है, जो कि अभी हमारी गाड़ी जो है स्पीड पकड़ रही है और बस ऑलरेडी स्पीड पे ही है, तो वो आगे है और बहुत ही जल्द हम इस गाड़ी को जो है ओवरटेक कर लेंगे बस को। तो इसको रेस लग रही है, यहाँ पे बस ड्राइवर ट्रेन के साथ रेस लगा रहा है। तो देखते हैं हु विल विन, कौन जीतता है इस रेस को। हमारी गाड़ी अब स्पीड पकड़ रही है और कुछ ही मिनटों में हम यहाँ पे बस को जो है ओवरटेक कर लेंगे, तो बस वाला इस रेस को लूज कर लेगा। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा बहुत बारी होता है कि जब अगर हम किसी बस में या कार में ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरी और रेलवे लाइन हमारे साथ साथ जा रही है, रेलवे ट्रैक ये बस को तो हमने ओवरटेक कर दिया, तो वहाँ से जब गाड़ी निकलती है तो बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पे व्यू देखने को मिलता है। तो गाड़ी इस टाइम चल रही है, ग्रीन सिग्नल हो रखा था, एक गाड़ी यहाँ पे हमें क्रॉस करी है और इसको हॉल कर रहा था जी बैक 4 इंजन और उत्कृष्ट के कोचेस लगे हुए हैं इस पर। तो ये कौन सी गाड़ी ने हमें क्रॉस करा है, ये हमें क्रॉस करा है जी 19217 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस ने, ये भी डेली गाड़ी चलती है, इसने भी हमें यहाँ पे क्रॉस करा है। Yeah.
क्रॉस कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी नदी को, थोड़ी थोड़ी सूखी हुई है, एक ब्रिज है जिसको यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। नदी में पानी का बहाव बहुत कम है, और इसी के साथ पहुँचने वाले हैं नवसारी। तो नवसारी का स्टेशन कोड है NPS, और एक और ये हम यहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं। तो गाड़ी का नवसारी के पहुँचने का टाइम है 5:17 का, और हम थोड़ा सा लेट यहाँ पे हो गए हैं। कोशिश करेंगे कि बाकी जर्नी में हम लेट टाइम को कवर कर लें। फाटक खुले हुए हैं बट बिल्कुल ट्रैफिक रुका हुआ है, बीच में सारी हमारी गाड़ी है। गाड़ी का अराइवल दिखाते हैं आपको, और एक WDM इंजन की आवाज़ यहाँ पे आ रही है एल्को की। एल्को यहाँ पे गाड़ी क्रॉस कर रही है, ट्विन एल्को के साथ एक डबल डेकर गाड़ी क्रॉस करके गई है। तो जान लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो ये गाड़ी है जी 12931, मुंबई सेंट्रल से चलकर अहमदाबाद जाने वाली AC डबल डेकर एक्सप्रेस, और ये गाड़ी आपकी मंडे से लेके सैटरडे तक पूरे पाँचों दिन छों दिन चलती है, संडे वाले दिन ये नहीं चलती। गाड़ी अभी यहाँ पे WDM लोगों के साथ क्रॉस करके गई है नवसारी स्टेशन को, और यहाँ पे हमारी MEMU नवसारी पहुँच चुकी है। यहाँ पे किसी गाड़ी की अनाउंसमेंट चल रही है, गाड़ी आने वाली है। इसी के साथ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी आज की जर्नी जो थी वो सूरत से नवसारी तक की थी, तो आज की जर्नी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब समय आ गया है गाड़ी को अलविदा करने का और आप सब लोगों से विदा लेने का। इसी के साथ गार्ड साहब ने विसल दे दिया है गाड़ी का, यहाँ पे हम डिपार्चर करते हैं इंजॉय, गाड़ी को करते हैं गुड बाय। मिलेंगे अब हम नई जर्नी में, नए सफ़र के साथ, नई गाड़ी के साथ, नए राउट पे। तो बने रहें हमारे साथ, और हमारे साथ हर वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और बेल आइकन को कर लेना है प्रेस। इसी के साथ गुड बाय करते हैं हमारी आज की जो गाड़ी है, यानी कि गाड़ी नंबर 19102 सूरत विरार MEMU, इसको अब हम यहाँ से नवसारी से गुड बाय करते हैं, और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई गाड़ी के नए सफ़र के साथ। आप करें इसका डिपार्चर।